Good morning, Khuzaim. Good morning, Rajiv. How are you, Atul? I'm doing good. You tell me how are things? Good, good. I'm attending your first session today. Awesome. It's really good to see you here. Yeah. How's everything going on? Awesome. Awesome. Yes. Mausam is also awesome and everything else is also awesome. Yes. Subdeepa is telling me attend. Somehow I have not managed to. But I said today morning, let me do it. I promise that you joined on the very right day, okay? He messaged me this morning. So our host for the day is Srividya. She she brings sizzle into whatever she does. That's what you called it as sizzling Sunday. I have already invited her to be part of our Rotary Club. You will be her sponsor. I promise you, if she joins, she will bring so much of wealth along with her. Wealth not only in terms of money, also in terms of relationships, in terms of happiness, in terms of gratefulness. Awesome. Yeah. This is who Srividya is. Yeah. So I think Srividya, you are on now. Atul and I both are inviting you. Hello. I invited you. I am telling you that you are inviting me. Jawaharlal just said, Savannah said, I was after his life. I said, how? I'm just trying to get my tripod. I got other people also joined in. I have put it on my Please Rotary get a lot of people and in. Maybe some people will join. So Srividya. Yeah, get more people in because Atul told me that I'm not getting people in and all that. So I said, today I'm Atul ji ke group se hi logon ko bulati hu. ठीक है. See, this is how लोग मिलते गए और काफिला बढ़ता गया. अरे जो कुछ भी हुआ लेकिन डांट तो पड़ती है ना अब से मुझे इतने आई मीन लाइक आई एम अ सेलिब्रिटी और व्हाट इज इट हां सेलिब्रिटी तो मैंने कल प्रण लिया है कि मैं अब से डांटना बंद कर रहा हूँ अब हेलो जरा फिर से कहना मैंने कल से प्रण लिया है कि मैं अब से डांटना बंद कर रहा हूँ इम्पॉसिबल सूरज ना एक दिन के लिए हो सकता है श्रीविद्या इट मींस दैट फॉर टुडे संडे इज अ हॉलिडे अच्छा कुजेम जी हैव यू इनवाइटेड मोर पीपल यस आई हैव पुट इट ऑन माय रोटरी ग्रुप्स देयर इज वन पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अमेजिंग ठीक है दो मिनट में मैं मुख दर्शन करवाती हूँ मैं ट्राइपॉड सेट कर रही हूँ नीरज कपूर इट्स लाइक दिस कि अगर मैं जो है लड़ना भिड़ना बंद कर दूंगा इट इज समथिंग लाइक आम में से अगर मिठास चलेगी तो आप खाओगे क्या देखिए अतुल जी है ना ऐसा नहीं होता बेचारे अच्छे भले लोगों को डांटना बंद करें जूम मीटिंग कैन आई कॉल यू लेटर एक बेचारे और अच्छे भले ये दोनों कैसे हो सकते हैं हाय नीरज गुड टू सी यू हे या तो हाउ आर यू टू डू इट फैंटास्टिक सीइंग यू फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम आई जस्ट हैपेंड टू नोटिस दिस एंड आई सॉ दैट मैंने कहा चलो लेट मी जॉइन दैट सो नाइस सो आर यू सपोर्टिंग द इंदिरा गांधी हेयर स्टाइल Not really, यार ये तो नेचुरल है इंदिरा गांधी से तो बहुत दूर हूं मैं अभी मैं बीजेपी में हूँ बर्तन झाड़ू पोछा कर रहा हूँ वाओ दैट वाज एन इंटरेस्टिंग वन हाय एवरीवन हाय बडी Am I audible to all of you? Yeah, you're audible. We're waiting for you. You're already visible also. Good morning, everybody. Good morning.
Good morning. Good morning. Good morning. Welcome, welcome Anand Kumar as well, and welcome Mishra ji. Good morning, everybody. Good morning. All everybody looking very fresh. तो आज मैंने मेरा काम किया अतुल जी, मैंने लोगों को बुलाया. आपका काम उनको बुलाना आज भी है, आपका ही शो है मैम. आज तो आप ही का शो है. आज तो चाल भी आपकी है, ढाल भी आप ही की है. क्योंकि ये कौन बोला? हाँ रविंद्र जी. हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आज की चाल भी आप ही की है और ढाल भी आप ही के पास में है. जो करें आज थोड़ा ज्यादा डेंजरस हो गया. ऐसे सब बड़े 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 शब्द कोश और व्हाटएवर से मुझे डर लगता है. और इतना ज्यादा हिंदी तो मुझे नहीं आता है. ओह ग्रेट. चलिए हेडफोन डाल लो क्या? नहीं ना, हेडफोन डालने के बाद आपकी लटे जो हैं थोड़ी सी उलझ सी जाएंगी. अब यू ठीक है अभी? एकदम यू की मैं तो कुछ ज्यादा बोलता नहीं टाइप्स. मैं तो डरपोक व्यक्ति हूँ, लेकिन अतुल जी अपना जलवा दिखाते रहते हैं. अतुल जी की मैंने एक लिबर्टी है अतुल जी के लिए. मैंने अभी मिश्रा जी, मैंने जस्ट सभी नए मित्रों को नमस्कार. मैं आर के मिश्रा हूँ, रविंद्र कुमार मिश्रा. परिचय बाद में होगा अंत में. परिचय हम नहीं, परिचय आज हम अलग से करने वाले हैं. आज आप लोगों को ना यू गो एंजॉय द संडे. मैंने बहुत, हम एकदम इंतजार करेंगे अपना टर्न आने का. लेकिन हाँ, मैं पहले सबको प्रणाम कर लेता हूँ. कई हमारे हमारे टाइप के लोग हैं, सीनियर लोग हैं कुछ लोग, तो उन सबको मैं प्रणाम कर लेता हूँ. सीनियर क्या, एज इज जस्ट अ नंबर. यस एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. एज इज जस्ट अ नंबर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. इन्होंने जैसे ही सीनियर बोला, खुज़ैम को लगा कि जी अंडर द बेल्ट हिट कर दिया सामने वाले ने. वही तो बहुत बढ़िया. Fantastic. Good morning, everybody. Ji. Good morning. Morning. Hi, Aarti. Morning, Aarti, ma'am. Kaise hain Mishra ji, Sri Vidya, Atul? How are you? Oh, first class. Thank you, thank you. And I'm sorry, I cannot switch on my video today. See, that's I mean, like, इसलिए मैं जब मुझे बोलते थे ना वीडियो स्विच ऑन करो, I'm like in a very different getup. इसके लिए डर जाओगे आप लोग. In fact, आज I just could not resist seeing Ronika's message in the morning. मैंने कहा चलो जैसी भी हालत है मैं आ जाती हूँ ऑनलाइन. वो क्या है ना, मैंने अतुल जी कहा था ना, टाइटल में चेंज हो गया, देखा कितने सारे लोग आ गए. Exactly. वो चौपाल लोगों को समझ नहीं आता था. चौपाल ऐसा लगता था जैसे चप्पल है, इसीलिए मैंने जब तक चौपाल था तब तक मैं था चप्पल. जो यंग है, जो हमारी नजरों में अभी भी, हम तो सीनियर में अपने को दाखिल करा चुके हैं. एक और बार आपने सीनियर कहा ना, हाँ तो हम निकाल देंगे आप अपने क्लास. नहीं निकाल नहीं देंगे आपको, अभी के अभी यंग बना देंगे. हमारे पास ऐसे जादू की छड़ी है. टू बी ऑनेस्ट, श्री की टिप्स जो फ्री वाली है वो तो इकट्ठी कर ही लो, और उसके बाद अगर पैसे खर्च के भी कुछ लेना है तो आई वाउच फॉर इट, यू विल गेट मल्टीफोल्ड रिजल्ट्स. सहारा प्रणाम, थैंक यू आरती, आई लव यू. आई मैं सादर सादर शत शत प्रणाम है आपको. गाइज शी इज ऑसम, वी आर ब्लेस्ड टू हैव हर विद अस. And this is not a paid or any influenced one. It's a genuine one. And देखा अतुल जी, देखा देखा. मैम आपका, आपके पास कोहिनूर है, आपने नहीं देखा. मैडम श्री विद्या, आपको पता नहीं है मेरा अकाउंट जो है एकदम ड्राई हो गया था पिछले 4 महीनों से. और जब से लॉन्ग को मैंने डाला ना और नोट को उल्टा किया, उल्टा टांग दिया नोट को 20 रुपए का,
और वो नोट जो है उल्टा टंगा अभी भी उसी तरह उल्टा, उस पर्स को मैंने छोड़ दिया है, छोड़ो पड़े रहो, कम से कम हर महीने कुछ दर्शन तो हो जाते हैं, चाहे जहाँ से आए कहीं से पैसे तो आ रहे हैं। वो हमारी श्रीमती जी का मन जो है प्रसन्न हो जाता है, वो जैसे ही आता है तो बस पैसे आ रहे हैं ना, एकदम एकदम आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। ऐसे और थोड़ा जोर से बोलो, सारे ब्रह्मांड को सुनने दो कि यस रविंद्र मिश्रा इज नाउ इनवाइटिंग मनी इन हिज लाइफ। मैं बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा महीना ड्राई नहीं जा रहा है। वो क्या है ना, थोड़े थोड़े इसलिए आ रहे हैं जी, क्योंकि अगर आपको ज्यादा ज्यादा चाहिए तो आपको मुझे भी ज्यादा ज्यादा देना पड़ेगा ना। अभी तक मेरी आदत गलत है मैम, सरकारी अफसर रहा हूँ, ल अक्षर ही सीखा है, द अक्षर सीखा ही नहीं। अच्छा। बड़ी मुश्किल से हम सिखा देंगे, हम सिखा देंगे आपको, बिल्कुल सिखा देंगे। ठीक है, आज वी गोना हैव अ वंडरफुल, शुड वी स्टार्ट नाउ, आर वी लाइव ऑन फेसबुक? मुझे कुछ करना पड़ेगा, फेसबुक का वो दीजिए ना मुझे लिंक। Yes, we are live and I'm sharing. And हम कुल मिला के कितने लोग हैं? कुल मिला के 15 हैं। मुझे और मैं आपसे चर्चा करूंगा अभी थोड़ी देर में। एक्चुअली सैटरडे को मैं एक समय के बाद में मोबाइल वगैरह सब अलग कर देता हूँ, तो मैं आज चर्चा करूंगा मिथिलेश जी आपसे। वैसे मुझे बहुत लोगों ने वादा किया था कि वो अपने साथ एक एक जन को लेकर आएंगे, और किसी ने वादा किया था कि वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आएंगे, तो जिन जिन्होंने वादा नहीं पूरा किया है वो काइंडली अपना अपना वादा पूरा करें। मॉर्निंग सत्या जी, मॉर्निंग मॉर्निंग मिश्रा जी, और मॉर्निंग मैडम श्री विद्या, मॉर्निंग सत्या जी, नमस्कार नमस्कार। फेसबुक पे डाल दूं, तब तक आप मेरा ये ब्यूटीफुल सा इमेज देखें। हाँ नहीं नहीं, आपका आपकी शक्ल वैसे ही ब्यूटीफुल है, इमेज से बेटर है। The real Shri Vidya is better than image. Shri, मैंने आपसे प्रॉमिस तो नहीं किया था, पर ये जो दीपांकर दिख रहा है ना लाइव, वो मेरे वजह से दिख रहा है ना दीपांकर? हाँ, अब तुम और मुझे डांट खिलवाओ। ये एक अतुल जी बैठे हैं ना, कहते हैं तुमने किसको बुलाया, तुमने किसको बुलाया। मैंने इतने लोगों को बुलाया लेकिन मेरे को तो क्रेडिट वेडिट कुछ मिलता ही नहीं। अरे अब मेरी भी सुन लो। मेरा पहला प्रणाम आंसर दे देगा आरती की बात का। मेरा पहला प्रणाम आरती जी को, ओके। दूसरा प्रणाम अतुल जी को जो इस प्लेटफॉर्म पे लाए हमें, ओके। तीसरा प्रणाम जो भी हमने आपके बारे में सुना, आपको और आप आज के होस्ट हो। संडे को 9:30 बजे मुझे कंप्यूटर पे बिठाने वालों को शत शत प्रणाम, सारा प्रणाम। वेलकम उनको क्या जरूरत? नहीं नहीं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों को बहुत मजा आएगा, और बहुत लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा, और जिनको नहीं आएगा उनको भी मजा आने लगेगा। आज की हमने लोकेशन भी बदल लिया, अपनी टेबल से हटकर हम सोफे पे आ गए हैं, क्योंकि लेजी संडे का ये लेजी संडे नहीं है, ये सिजलिंग संडे है। सिजलिंग संडे नहीं, हम संडे कहते हैं ना, सीईओ टॉक्स। आज हमारी लेट, अभी भी मैं उसी धुन में था, लेकिन आज बदल दिया नाम इन्होंने, मैंने तो मैसेज देखा ही नहीं। ये सिजलिंग को जो है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है आफ्टरनून, सैटरडे आफ्टरनून के बाद में मैसेज वगैरह देखना छोड़ देते हैं, एकदम रिलैक्स मूड में। मुझे पता था ये षड्यंत्र था, ये अतुल जी का षड्यंत्र था, एकदम कोमलिका बने हुए हैं, इन्होंने षड्यंत्र बनाया कि लोग मेरे मैसेजेस नहीं देखे, और आए नहीं, लेकिन फिर भी देखो वो कुछ और चाहता था। बिल्कुल। वो कौन? ऊपर वाला एक अंकल रहते हैं ऊपर, हमारे पारसी अंकल। ऑलराइट, सो वी आर लाइक अबाउट 18 पीपल हियर। अतुल जी, मैं आपको बहुत तंग करती हूँ ना? मैंने प्रॉमिस किया कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, और नहीं बोलेगा। अतुल जी, आज आपको सात खून माफ। अतुल जी, संडे को अलाउड है। लेकिन मेरा तो हर दिन संडे है। ओके, दीपांकर आवाज निकली अतुल की अंदर से। हाँ, अंदर से वो वेट कर रहा था, पॉज का बटन दबा हुआ था, प्ले हो गया। अनम्यूट अनम्यूट ठीक है। ऑलराइट,
Atul ji, we are live on Facebook and we are live on the Seagrowth platform, which is called Sizzling Sundays. And you are with me, your host, and not your dose, but something more than a dose. Okay? And you are with me on a Sizzling Sunday, listening to all my bakwas and waiting for that little tip, which I'm going to give you at the end. So, आखिर तक आपको रुकना है, बेल वेल आइकन को नहीं दबाना है क्योंकि यूट्यूब चैनल नहीं है लेकिन लाइक और शेयर को जरूर दबाना है और ईग्रोथ के प्लेटफॉर्म पे आना है और जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है उनको तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो अतुल जी ना गोली मारते हैं, पता है उनके पास एक वैसे वाली बंदूक है जो साइलेंट वाली है. ठीक है, जय श्री मिस्त्री इज देयर. ओके, सो यू नो व्हाट इज द टॉपिक टुडे, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. अब सेंसिटिव बोले तो सारे एकदम जो सन्नाटा छा गया. देखो who Sir, wants to know आज से ज्यादा लोगों को सेंसेशनल सुनाई दिया. सेंसेशन अतुल जी आपको सुनाई दिया होगा और आपको तो कुछ और भी सुनाई दिया होगा. ठीक है, पढ़ें आगे. ओके, सो लेट्स हियर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. डू यू बिलीव, इज इट अ मिथ और इट्स अ रियलिटी, क्या सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, पार्टनर्स ऑफ लाइफ ऐसे होता है? होता है. पार्टनर्स ऑफ लाइफ तो होता है लेकिन वो मिलते नहीं है, मिल भी जाती है. एक एक करके जवाब दे, बहुत गहरी बात करने वाले हूँ. आई अग्री विद दिस श्री, होता है. ओके, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट बिकॉज़ I mean, I am with people whom I have never ever, you know, there's no, especially my clients and few people whom I work with, they कहीं आगे पीछे से कोई connect नहीं है. ठीक है. So the only way of connect is that there is a soul connection due to which we are together for professional or personal or whatever jobs. कहीं से आप कनेक्टेड होते हो तो आपको रीजन पता चल जाता है. बट आई थिंक द सोलमेट्स, दिस इज सोल ग्रुप यू आर टॉकिंग अबाउट. आई एम आस्किंग यू अबाउट सोलमेट्स, वो जो एक आपके नाम का वो क्या कहते हैं उसको, वो प्लकार्ड लेके घूम रहा हो कि यू एंड यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी, ऐसा कोई, डू यू बिलीव इन दैट कि यस? आवाज गया. Not experienced in my life. Who's experienced it? और किसको ये अभी भी बिलीव है कि कोई एक ऐसा किसी ना किसी के लिए बना होता है, अपार्ट फ्रॉम करण जौहर एंड संजय भंसाली, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस, यू नो, दिल तो पागल है एंड शाहरुख खान फिल्म्स एंड ऑल दैट. Do you really believe there is a twin flame or there's a soulmate? Because twin flames are different. Yes. Soulmates are different. And someone whom आपने सिर्फ उनको देखा और आपको लगता है कि भले इट्स अ गर्ल और अ बॉय या व्हाटएवर इज द जेंडर, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें आपकी समझ पाते हैं या पाता है या पाती है जो आप बिना बोले, लाइक यू नो दे बिकम द एस्ट्रोलॉजर फॉर यू, लाइक यू नो एस्ट्रोलॉजर्स एंड दे नो एवरीथिंग that you wanted to tell them. Is it, do you, have you experienced that? If yes, please tell me who has experienced a soulmate connection. I have. I have. And me. Who is that I have? Kuzem. All right, Kuzem, okay. And who else have experienced that? Myself. A very myself. Myself, कौन? मेरा नाम बताओ यार. नीरज कपूर. मनीष कुमार. मनीष कुमार, ओके, ग्रेट. सो लेट मी मेक अ नोट ऑफ दीज पीपल, आई एम राइटिंग इट डाउन. ओके, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिजलिंग, सो बी वेरी. सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं ये नाम. तो प्लीज जरा आगे मत कुछ पूछेगा, आगे कुछ मत पूछेगा. नहीं, अरे नहीं, डरने की क्या बात है, डर के आगे जीत है. माउंटेन ड्यू का है अपने पास स्पॉन्सरशिप आने वाला है और स्प्राइट भी अपने पास स्पॉन्सर करेंगे, बिकॉज सीधी बात, नो बकवास. ठीक है, सो वी गोना गेट ऑल दी स्पॉन्सर्स. सो
Now all those people must be wondering like, you know, iske title ke aage to pata nahi kya kya hai aur ye yahan pe chilam chili kyun macha rahi hai. Who is that who said Neeraj Kapoor? Okay, Neeraj. That's right. Kapoor. Aarti said that there is a soulmate. All those who said that yes, there is a soulmate and. साकरवाला ओके अब शक्कर बेचते हैं आज तो आपका बहुत काम है बहुत बिजनेस होने वाला है आपका मैं फर्नीचर बेचता हूँ हम शक्कर भी बेचेंगे ठीक है किचन में बेचना पड़ेगा फर्नीचर में किचन आता है तो शक्कर आ ही जाती है सो आउट ऑफ 20 आपका फर्नीचर शुगर कोटेड है ये हुई ना बात देखा कितना अच्छा टैगलाइन मिल गया आपको हमारे यहाँ ऐसे फर्नीचर मिलते हैं जिससे बेड जिसके ऊपर बैठने से ही आपकी मिठास बढ़ जाती है वाओ यस टैगलाइन और आज ही ऑर्डर करता हूँ यू नो व्हाट आज ही ऑर्डर करिए डोंट वेट ये आपने एक बात बोली कॉल बटन नाउ ये आपने एक बात बोली ना तो हम अभी आपने सोलमेट की बात की हमारे पास ऐसा बेडरूम है जिसमें आपको सोलमेट मिल जाता है ये बहुत डेंजरस वाला है हाँ दिस इज वेरी डेंजरस प्लीज गाइज आउट देयर ये दिस इज ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कहा जा रहा है इसका कोई संबंध नहीं है डिस्क्लेमर पता चले एवरीबॉडी इज गोइंग देयर हमें तो अभी तक एक ही यही लाइन अच्छी लगी हमने तो इसको कोट कर अनकोट कर लिया नहीं इस लाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमारा बेड ऐसा है नहीं, आपका पार्टनर आपका सोलमेट बन जाएगा नहीं नहीं ये बोरिंग हो गया नहीं ऑलराइट भाई मेरा एक प्रश्न है ये सोल की स्पेलिंग बता दो SOLE है या SOUL है हेलो दैट कुड बी सो क्रिमिनल फैंटास्टिक दैट कुड बी सो क्रिमिनल ये सिर्फ ये कहना है कि ये सिजलिंग बनाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं 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 इसको कहते हैं क्रिमिनली क्रूएली व्हाट इज दैट मर्डरिंग Some beautiful नहीं, ऐसा नहीं है अतुल बिल्कुल सही बोले हैं सोल SOUL वाला एग्जांपल सत्यन गुप्ता जी ने पहले दिया था बेड वाला और दूसरा जब उन्होंने चेंज कर दिया वो जूते का सोल हो गया जो बाद में पड़ेगा so both are one and the same thing okay शो को आगे बढ़ाएं जोक से बात ओके लेट्स गो लेट्स मूव ऑलराइट So out of I think 20 people, just 1, 2, 3, 4, 5, 6 people believe that हाँ ऐसा कुछ होता है और वो शायद उनसे मिले हैं ठीक है Now who wants to know the secret? Everybody. Okay. Everybody. नहीं everybody नहीं. तो जिन्होंने नहीं बताया जिनके नाम आपने नहीं लिखे उनको बता दो सिर्फ ठीक है आपको पता है जिनको आप सोलमेट समझते हो वो दे आर जस्ट पीपल हु हैव एक्चुअली बिफोर यू वर बॉर्न दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू दैट दे विल नॉट बी योर पार्टनर्स एक्चुअली दे विल जस्ट To be with you, but to make you realize what is true love, they will be there, but they will not be your partner in life. It's very rare that you manage to get a soulmate as a partner. This is the truth, and it's such a mate is the truth. You have a contract because soulmates are not your husband or your wife. Let me be very clear. आपका सोलमेट है ना आपका हस्बैंड वाइफ बहुत रेयर केसेस में होता है हो सकता है आपको लगे ये सोलमेट है बट इट इज अ दे कैन बी अ सोल ग्रुप पार्टनर्स बट सोलमेट एक ऐसा बंदा या बंदी होता है इन योर लाइफ एंड जस्ट लुक इनटू द आईज एंड आपको पता चलेगा कि आप इनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिले जरूर नॉट इन दिस लाइफ टाइम बट इन सम अदर And that's how you recognize
that this person I've got a deep connect. Many people have complained to me, you know, they come to me and they say that, you know, this is the soulmate, and but I'm not, I want to get married to the person. I said, the moment you get married to that person, you can have I mean, I don't know whether it's allowed in India, but metho, I am not from this planet anyways. So in other planets, they do allow spiritual marriages. So when you look into the person's eyes, marriage is an institution that we have created. It's a very beautiful institution. Yes, we must abide by that. But a soulmate can be a friend, can be a partner who can actually bring you out and bring out the best in you. And later, if things go well, maybe you can get married to that person. But mostly soulmates ke saath aisa hota hai, it would be your second marriage. It would not be your first marriage. How many agree to this? Yes, I agree. Yes. Yes, madam, I also agree. Because I also agree. Hi, this is Vipul here. Hi, Vipul. So this is how actually it is. And bahut sare myth hote hain ki yaar mera soul connect hai, mera wo hai, ye hai, lekin, you know, I'm like, I just feel so connected, but wo mere life mein kyun nahi hai? Bhai sahab, wo agar tumhare life mein hota ya hoti, to phir ye nahi hota jo tumhare life mein ho raha hai. You understand? Are you understanding what I'm trying to tell you? Bahut complicated hai, but it is complicatedly simple and simply complicated. Wow. So you have made it more complicated, madam. I think there is a lot of deceiving that is going on, and that's why we sometimes, you know, that self-talk that we do, ye ho sakta hai, and then you start moving in that direction without actually understanding. And you know, the person who is most closest to you and who's creating ruckus in your life, who's creating terror, aapko lagta hai ki main bhag jaun yahan se, ya main bhag jaunga, ya bhag jaungi. This is so irritating. Why is this person irritating me so much? Do you know? You have a contract with that person that he or she will do this because you need to see the other side of you. Do you know this? It sounds very unbelievable, but that's the truth. The person who is actually pushing you to the corner is actually telling you to take your power back. Aapka contract hai unke saath. It's soul contracts. Do you know this? How many know this? And how many don't know this? I have experienced this. Give me an appointment for a reading. You are talking my heart out loud. The person who, like, aapko lagega ki ye main kya? I mean, what have I got into? You know, why have I got into this? Trust me, that person, aapne, listen to this very carefully, and all you guys out there, please listen to this very carefully. There is a time just before you're born and before you decide that you're going to come down to earth to experience the experiences that you're experiencing, right? To experience the experience that you're experiencing, you have contracts with these kind of people. They are your friends. They are your relatives. They are your soul partners. They are your soul groups. Aap inke saath decide karte ho ki ye mera life lesson jo hai, you got to help me out in this, and you will play this role, okay? And that person, trust me, is playing the role so beautifully. Ye tum ho jo tumhare ko apna role bhool gaye ho. Do you know this? And that person can create so much of havoc in your life. Be it your son, be it your mother-in-law, father-in-law, whatever, jisko aap sochte ho na ki ye kya hai. Ye line na apne एक बेडरूम में ना बड़े अक्षर में लिखना, आई मीट नो वन बट मी. गॉट इट? यू मीट नो वन बट यू. ये आपका कोई रिफ्लेक्शन होता है जो आपको दिखाई देता है और आपको वो पसंद नहीं आता है, इट विल कम बैक टू यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन अनलेस यू ट्राई टू चेंज इट फ्रॉम द. Does it sound good? Or very dangerous? Quite logical. Complicated. Simply complicated. Agree to your statement. Yes. So what happens is, most of the time, you come across people
who are out there telling you, like, look, this is what is actually you need to shift from. You need to take your power. Why do you think there are people who take abusers and people who are getting into these kind of situations is because the other person is playing the part so beautifully, telling the person, take your power back and tell me to get lost. But we don't have the guts to do that. Or may not be understanding. No, may not understand. To a great extent, it's, I think, the social obligations, you know, that we are locked into. Yeah, but listen, your soul, every time you have this, you know this, that this is something happening for me to realize it. All right? There's something happening for me to realize it. And trust me, I'm saying this because I have saved 17 divorces. It's a good number. Wow. Great. Amazing. And I have saved 17 divorces and I have helped people come out of, I mean, 5 people come out of their silly marriage. Trust me, it is silly marriage. Though it was a lesson, it was a life learning lesson, everything. But if you're not ready to learn it, come what may, you'll have to come back again. You'll have to come back again and it will be too much impactful and bahut zyada disturbance hogi. Bahut zyada disturbance hogi. There was a time when, you know, I would always like, ye aisa kyun hai? Trust me, I have come across so many cases. Like, meri samajh mein nahi aata tha. After the client would go, I would just look at what the person has written and I would say, why the hell is this person doing this? And then I would like, because in the heaven he had decided to do it. That's when the answer comes, you know. It's, this is how it works. So soulmate hota hai, but don't expect your soulmate to be your life partner. It's very rare. Your soul partner can be very compatible, very loving. Ho sakta hai. Hota hai. He's very nice. She's very nice. Lekin that can be a part of your soul group. But soulmate ek hi hota hai. And trust me, hum ek baar jeete hain, hum ek baar marte hain, aur hum pyar bhi ek hi baar karte hain. Lekin aapke statement se, madam, ye laga ki there are two soulmates. Are there are two category of soulmates? Kya category aap kehna chahti hain? Hello, category nahi. Soulmate अलग होता है और सोल पार्टनर ग्रुप, सोल ग्रुप से एक पार्टनर आपका अलग होता है. आपका सोल ग्रुप का पार्टनर बहुत बार आपके, यू नो, देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टनर्स दैट यू गेट इन लाइफ. वन हु विल पुश यू टू द कोर दैट यू ब्रिंग आउट योर टैलेंट एंड ब्रिंग आउट द गुड इन यू, एंड वन हु कैन बी सो गुड दैट यू हैव नो अदर चॉइस बट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम. सो देयर आर टू पीपल ना, देयर आर टू सोलमेट्स. सोलमेट्स दो नहीं हो सकते हैं. दो सोलमेट नहीं हो सकते. दो सोलमेट एक ही होता है. एक जो है प्रतिदिन रकस क्रिएट करता है. हाँ. और दूसरा जो है वो मेरे लिए ही खड़ा हुआ है हर समय. वो वॉच करता है मेरे लिए अपने पूरे जीवन. तो ये दो लोग होंगे. यस, लेकिन एक आपका सोलमेट होता है जो आपके सोल का ही फ्रेगमेंटेड पार्ट हो सकता है. आपके सोल के कुछ पार्ट उसके पास होते हैं, उसके सोल का कुछ फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यू कैन गो डीप स्टडी इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स, बट इट इज ट्रू. आप समझ लो, कभी कभी आपको ऐसा लगता है ये तो मैं ही बोल रहा हूँ, ये तो मैं ही बोल रही हूँ. यू विल फाइंड दैट पर्सन एक्सैक्टली लाइक यू नो समथिंग सो डीप. आपको लगेगा कि यार ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये सब कुछ समझ जाती है, सब कुछ समझ जाता है. ऐसा आता है. और मरने से पहले हर एक बंदा या बंदी को अपना अपना सोलमेट जरूर मिलता है. कुछ समय के लिए ही सही, बट मिलता जरूर है. कुछ लोग हैं उनको कंटिन्यूटी में रख सकते हैं, कुछ लोग हैं जो मिलते हैं और चले जाते हैं. सो टेक वन मोर लाइन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ. वी मीट सम for a reason, some for a season, and only some for a lifetime. Right? Oh, I'm too good. मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे तो दूसरे planet में होना चाहिए था. चलो मेरी तारीफ करो यार. मैम दूसरे planet में कोई आपकी इतनी कदर नहीं करते.
नहीं यार, इसलिए तो यहाँ आई हूँ, वहां पे कोई था नहीं ना. See, exactly. You have put everyone to, you know, thought, सब सीरियस हो गए हैं. मैंने हम तो आए थे कि संडे मेरा रेस्ट होगा और झंझोड़ दिया है हमें. और आपने हिला दिया है वर्चुअली, हम एकदम से और सोचते रहेंगे अब इसी चक्कर में पड़े. इसलिए तो उन्होंने शुरुआत सिजलिंग से की थी कि बस तड़का फड़का होने वाला. इट इज सोल स्टरिंग. मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ, मैं तो सिर्फ अभी तक एक ही चीज समझाऊं कि हाउ कम श्री विद्या नोज मेरी बीवी को इतनी अच्छी तरह और बाकियों को भी. यूके ये तो मेरी समझ में नहीं आया. ये भी सिंपली कॉम्प्लिकेटेड है मैडम जो मैंने बोला. थोड़ा व्हाट इज दैट, ब्रीफ में संक्षेप में समझाएं. नहीं तो ब्रीफ में विस्तार में समझाएं. अब जो ऑक्सीमोरॉन आपने सिंपली कॉम्प्लिकेटेड बोला या कॉम्प्लिकेटेड सिंपली बोला, हम समझ गए. आप भी हमारी बात समझो. जरा फिर से कहना थोड़ा. मैं क्या है ना, वो पर ग्रह से आई हूँ ना, तो थोड़ा समझने में. मैडम गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड हियर इन द फोरम, वन टू वन. दीपांकर जी वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के लगते हैं, और वो अभी फिलहाल जो कैडबरी का हम स्पॉन्सर्स कैडबरी को भी बुला सकते हैं, छुपा रुस्तम, वो भी हमको स्पॉन्सर करेंगे. अतुल जी सी वी आर गेटिंग सो मेनी स्पॉन्सर्स नाउ. सब ख्यालों में चल रही कहानी. यस, कि सब सोच रहे हैं कि वो एक बंदा कौन थी. लेट मी गेट दिस मोर राइट. इज इट ओके? एक बहुत पहले एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपने वो याद करा दिया. अच्छा सपने नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. ओके सो नाउ हाउ मेनी ऑफ यू want to create some kind of harmony if at all there's a disturbance in your relationship? Thodi bahut create to kar hi sakte hain, remedies utna to hum kar hi sakte hain, because remedies work. Satya ji aap kya soch rahe ho? Nahi bilkul ji, Sahuja sahab aap kya dekh rahe ho? Bilkul kar sakte hain. Manish ji aap seriously kya audit kar rahe ho? Kitne soulmates aaye, kitne gaye, isme credit debit kitna, kaun sa balance sheet? mujhe abhi na harmony aap hamare dil ki baat jaan kaise lete hain pehle bata do ji. Main I mean now pronounce this, I am a clear cognizant. ये ऐसा तो नहीं है यूनिवर्सल सोलमेट वाली कहानी तो नहीं है. नहीं, यूनिवर्सल सोलमेट वाली कहानी तो नहीं समझ. वो जनरली होटल्स में एक मास्टर की होती है, सारे दरवाजे खुलते हैं उससे. अतुल जी ये बहुत डेंजरस है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलते. वैसे आई एम अ क्लियर कॉग्निजेंट. आपने एक चीज अभी बोली हार्मनी. हाँ. तो हार्मनी में मेरे को एक चीज जो चमकी वो ये थी, फॉर हार्मनी द मोमेंट यू से मैंने हार मानी तो हार बनी हो जाता है. हाउ आर अ ब्यूटीफुल थिंग, बट हार नहीं मानी. हम हार जीतना नहीं, इसमें लेट्स गेट इनटू दैट सेक्टर. लेट्स गेट इनटू द डिफरेंट सेक्टर. द टिप विल कम इन द लास्ट, बिकॉज आपको मुझे और थोड़ी देर झेलना पड़ेगा. श्रीपाद जी कसे काय मुंबई आले वाटते. सुरेश फालके जी 27 पीपल. अतुल जी अभी आप मुझे डांट नहीं सकते कि मैं लोगों को नहीं बुलाया. देखा नाम चेंज हो गया ना, नेम की फ्रीक्वेंसी होती है. वन मोर क्रॉस प्रमोशंस. नेम हैज अ फ्रीक्वेंसी. ऐसे पिछले जन्म के कर्म जो है, आई मीन पिछले हफ्ते के जो कर्म है वो इस हफ्ते दिखाई देते हैं. पिछले हफ्ते के कर्म. क्योंकि ये सही नहीं बोला. ऑलराइट सो ओके, एनीबॉडी वुड वांट टू शेयर वन इंसिडेंट वेयर यू न्यू दैट दिस इज माय कनेक्ट. यू वांट टू शेयर, प्लीज डू शेयर. इट विल बी रियली अ ब्लेसिंग टू मेनी पीपल हु आर स्टिल लिविंग इन अ मिथ. समझाइए इस प्रश्न को, समझाइए मैम. अब प्रश्न को फिर से हिंदी में अनुवाद करते हैं. क्या कोई में भी चलेगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया. अच्छा एम तो पछि गुजराती में बोलू. बोलो. हाँ अंदर नहीं. तो हिंदी में समझाते हैं कि क्या कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो इतना हिम्मत वाला है, नॉट द जितेंद्र वन और द अजय देवगन वन, जो इतना हिम्मत वाला है जो
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बता सकता है कि यस दिस वॉज एन इंसिडेंट व्हेन आई मेट समबडी एंड आई गॉट आई न्यू दैट दिस इज माई सोल कनेक्ट एंड वॉट मेड यू क्लिक दैट दिस इज माई सोल कनेक्ट. दीपांकर जी क्या खा रहे हैं आप? सौंफ मैडम, बादाम. अच्छा अच्छा, खाइए खाइए, आपको जरूरत है. बादाम और अखरोट सबको. बताइए कोई बोलना चाहेगा? सब मिश्रा जी, मिश्रा जी का हाथ उठाए. मिश्रा जी बोले, हम आपको सुनने के लिए वो हैं, व्याकुल्स. ओके, 1978 की बात है, 1978. ओके ओके, 1978. मैं यहाँ दिल्ली में हुआ करता था और अपने करियर की जो एक टिपिकल बिहारियों का होता है कि स्टेट छोड़ के चले आए दिल्ली, लगता है दिल्ली हम लोगों की जीवन को बदलेगा. तो एक व्यक्ति मिला, कोई ले गया, मेरे गांव से ही कोई आया हुआ था, कहा कि चलो उनसे मिलने जाना है. तो मैं चला गया, बिना जाने समझे पता चला तो मैं चला गया. और वो हम लोगों के अपने ही थे, उनके पास जाने के बाद में मुझे उन्होंने, हम लोग, वो जो ले गया था मुझे वो तो कहाँ छूट गया रास्ते में पता ही नहीं चला. वो आया, मिलवाया, उसके बाद जा चला गया. उसके बाद में इस व्यक्ति के साथ में मेरे संबंध प्रगाढ़ होने लगे और वो काफी सीनियर थे, क्योंकि इसी साल उनका डेथ भी हो गया 78 साल की एज में. लेकिन वो हमारे साथ एकदम जुड़े रहे और अदृश्य, कभी उन्होंने मुझे कुछ भी मदद नहीं किया. लेकिन ऐसे व्यक्ति थे कि जो कि हर समय, हमें लगता था कि वो हर समय के लिए मेरे लिए तैयार हैं. और वो रहते भी थे, कोई भी बात होती थी पहले ही समझ जाते थे कि तुम चिंता क्यों करते हो जाएगा, और वो हो जाता था. मतलब आश्चर्य है कि, और अंतिम अंतिम इवन उनके बच्चों, अपने बच्चों से भी ज्यादा मैं उनके समीप रहा थ्रू आउट. उनके अंतिम दिनों में तो सबसे ज्यादा मैं ही समीप रहा, क्योंकि सही बच्चे उनके अब्रॉड हैं और मैं सबसे नजदीक रहा. और आज वो नहीं हैं, उनको और उनकी पत्नी को विदा करने में, मैंने विदाई के समय में हमें लगातार उनके साथ में पिछले 3 साल से रहना पड़ा. लेकिन मुझे अपना पूरा कर्ज लगता था कि मुझे सधाने का मौका मिल गया उनको करने का, जबकि कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई परिवार का कनेक्ट नहीं. केवल वो हमारे क्षेत्र के हैं, इसीलिए उनसे मिलने गए थे 78 में. उसके बाद मैं करियर बदला, मतलब जिंदगी भी बदली, यूपीएससी में कम्पीट भी कर गए और चीजें बदलती गई. मैं बताऊं कि मुझे कोल इंडिया में सिलेक्शन हो गया था, मैं कोल इंडिया में जाने के लिए तैयार हो गया. मैंने कहा कि देखो पता नहीं यूपीएससी का क्या है, होगा कि नहीं, कोल इंडिया में हो गया. उन्होंने कहा कि नहीं, कहां कोयले में जाना चाहते हो. अल्टीमेटली मैं वहां गया एक दिन के लिए, लेकिन मुझे फिर उनकी बात याद आ गई. मैं वापस आया, फिर उसके बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ, क्योंकि रिटर्न हो गया था, इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो इंटरव्यू भी हुआ. तो जीवन बहुत ही सरल ढंग से लगता था कि एक व्यक्ति है जो कि कोई जरूरत पड़ेगी तो वो हर चीज हमारे ऊपर में हमारे लिए करने के लिए तैयार है. पता नहीं ये ही सोल कनेक्ट होता है या नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा है कि जो कि तो वो मैंने अभी आपको बताया, तो एक्नॉलेज तो कर लो कि हाँ ये सोल कनेक्ट है. अब यही सोल कनेक्ट है तो अब वो नहीं है, अब वो नहीं है जीवन में. तो इसका मतलब आप आगे के दिन बिना पतवार के चलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम सोल कनेक्ट्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन योर इन चेंजिंग योर लाइफ एंड सोल मेट्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग यू रियलाइज व्हाई व्हाट वेयर यू आर डूइंग एंड व्हाट इज योर पर्पस आल्सो. होता है, ट्रस्ट मी होता है, लिख के ले लो, टेक इट फ्रॉम मी, होता है. Anybody else wants to share something beautiful? Anyway, मेरा बहुत ही नीरस कहानी था, लेकिन दूसरों के बड़े अट्रैक्टिव. आपको कैसे लगता है नीरस था? इतना इंटरेस्टिंग था. हम तो वहां तक पहुंचे भी, आप कोल इंडिया में गए, वो आप गांव में गए, वो पर्सन ने आपको लेकर गए, ये सब हमने देखा. द मोमेंट यू नरेटेड इट, वी ऑल विजुलाइज्ड इट. सो इट्स नॉट नीरस. ऐसा नीरस वीरस होता नहीं, सब कुछ होता है. हमने तो आपको डांट पड़ेगी.
Anybody else wants to share something interesting? May I speak? Hi, Jayanti. That's Shripad sir. Unke baad main bolti hun for sure. Jayanti wants to say something. Uske kuch to bhi dimag mein aaya hai. Bahut kuch hai. Kuch to bhi kahin. Jayanti wants to share something very sizzling. And Shripad ji, aapko kya bolna hai sizzling? Why Neeraj is so sad? Neeraj, you can smile. It's okay. So on Sunday we can smile. Like it's allowed. Yeah. I met many people in my life who have given definite direction to my life and changed at that particular point. But I will definitely tell about two different people. One of them I will tell now. If time permits, I'll speak about others. Sure. When I was working with Walchandnagar Industries Limited, which is in Pune district, and I tried to apply after my completion of engineering. I tried to apply at many places. Then I applied to Bajaj Tempo. There was an interview. I was selected and I came out of Bajaj Tempo premises near Akurdi Chowk at Pune, which is near Jai Hind Industries. I was waiting there. Sham ke 5 baj gaye the aur bahut sare log बस से अपने अपनी जगह जाना चाहते थे. चंद लोग बस से जा रहे थे. निगड़ी से बस भर की ही आती थी. जैसे ही बस दिखती थी बहुत सारे लोग भागते थे, लटकते थे. जितने लटके उनको बस निकलते ही अंदर वाले लोग खींच के अंदर लेते थे और मुझे जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी. तो दो तीन बस जाने के बाद मैंने ऐसा सोचा कि ये करते क्या है. मैंने प्रोसेस समझ ली कि लोग बस की ओर दौड़ते हैं और बस की ओर दौड़. शिपा जी म्यूट हो गए, चले गए. बस पकड़ते हैं, बस में घुस जाते हैं और उन्हीं को बस मिलती है, बाकी लोगों को कोई चांस नहीं है. तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, हम भी ऐसा ही फॉलो करते हैं. तो बस दिखते ही ऐसा जोर शोर से मैं भागने लगा बस पकड़ने के लिए. तो मैंने कुछ भी नहीं देखा. उस भागने के दौरान मैं एक ऐसे बूढ़े आदमी को टकराया जिसके कारण मैं भी गिर गया और वो बूढ़ा भी गिर गया. उसकी चश्मा एक बाजू को, काठी एक बाजू को और बस तो नहीं मिली, लेकिन मैं मेरे कपड़े साफ करते उठा और उठ के वो बूढ़े आदमी के पास गया. बोला, चाचा जी माफ करना, बस पकड़ने की चक्कर में मैं इधर उधर नहीं देख रहा था, मेरी गलती है. ये आपका चश्मा ले लो, तकदीरन फूटा नहीं है, ये काठी ले लो और मुझे माफ करो, मैं आप गलती है मेरी. तो वो बूढ़े ने मेरी ओर दो चार बार देखा, बोला, बेटे किसी देहात से आए हो, उना के नहीं हो? मैं बोला, जी नहीं, मैं पुना का नहीं हूं. जिंदगी में कभी पुना का नहीं बनना, इधर आदमी ही आदमी को नहीं पहचानता है भैया. मैं इंटरव्यू ले दे के पास हुआ था, लेकिन मैंने सोचा नहीं जाएंगे बजाज ऑटो, बजाज टेम्पो, मैं नहीं गया और वो जॉब ही छोड़ दिया. वो बूढ़ा कौन था उसका नाम मालूम नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उसने एक जवाब में बताया कि तेरी तरक्की अगर करनी है तो यहाँ नौकरी को मत आओ, क्योंकि ये ऐसा लटकते लटकते तेरी जिंदगी निकल जाएगी. That's amazing. I think that was a turning point for coming to Nasik rather than becoming a Punekar. Thank you. Wonderful. Yeah. Beautiful. What a beautiful story and what a beautiful way to say
दैट आपको हर बार ना आपको मिलता है, आपको आंसर्स मिलते हैं, यू नो इट, बट देयर इज समबडी हु सेकंड्स इट एंड देन यू टेक इट. So yes, that I'm always there. You connect to me on 703-901-1755. Who else wants to share something about a soul connect or a soulmate? सबने soul connect बोला, किसी ने soulmate के बारे में नहीं बताया. शायद मैं बोलती हूँ, but आपने जैसे कहा it was with a reason and season, सब कुछ था. So college days तक तो कोई problem नहीं थी, but फिर मैं dancing और acting में घुसी तो my sir, my guru always used to scold me. और वहाँ सिर्फ एक बंदा who was my dance partner, वो हमेशा कहता था नहीं you're doing good, नहीं you're doing, and मेरा वो डांट सुनने की वजह से I lost my confidence. मुझे लगने लगा नहीं मैं अच्छा perform नहीं कर रही. Although I was his lead dancer, वो पूरे group में मैं instructor थी, मैं सब कुछ थी. So this person always used to tell me नहीं तू अच्छा करी, नहीं तू अच्छा करी. And then eventually वो इतना थोड़ा मुझे motivating लगा कि then I started concentrating only on my performance. So that was with a reason actually. एंड देन फिर गाड़ी आगे गई, डांसिंग छोड़ना पड़ा, मैं बैंकिंग में गई एंड एवरीथिंग. शादी के बाद आई हैड अ प्रॉब्लम मैरिज और 3 साल के बैटल के बाद मैंने छोड़ दिया विद अ बेबी. तो वहाँ मेरे फ्रेंड से मेरी कनेक्ट हो गई बिकॉज मैं शादी के बाद चेन्नई शिफ्ट हुई फ्रॉम बॉम्बे एंड मेरे बॉम्बे के फ्रेंड से ऐसी हाउ आर यू करके बात छेड़ी. आई स्टार्टेड पोरिंग आउट, मैंने कहा यार ऐसे हो गया, माई हस्बैंड डिड दिस, माई हस्बैंड डिड दैट, ये वो. तो उसने मुझे जो डांटा बोला कि जिंदगी भर रोती रहेगी, यू हैव टू थिंक ऑफ योर डॉटर एंड यू हैव टू गो अहेड. सो दैट वाज अ कनेक्टर. वो जर्नी फिर मेरी कुछ महीनों के लिए चली एंड देन ही सेड नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, मेरी जरूरत नहीं है. सो ही वाज फॉर अ पर्टिकुलर सीजन. सो जितना मेरा मोल्डिंग हो गया, मेंटल फ्रेमिंग हो गया, रिस्ट्रक्चर हो गया, देन आई उसके बाद तो लुक बैक नहीं था. एंड उसके बाद पर्सनल और प्रॉब्लम्स इतनी हुई कि अभी आज की तारीख में आई हैव वन पर्सन. He is very elderly to me, but मैं जिस तरह से उनसे newborn baby की तरह बात करती, तो he guides me, he molds my thoughts. वो बोलता है अरे तू चिंता मत कर, अरे तू चिंता मत कर. And maybe you know this is a lifetime kind of a thing now. और अब spirituality में there is a new journey again that has started. So you know मेरी जैसी तलाश है वैसे मिलते जा रहे हैं लोग. So I think it's really true. इसलिए मैंने कहा I can connect with it. Spirituality में sorry. Yeah, when you're ready, when your soul, you know, you learn. When you're ready, there's a lot of things that keep happening. हमको सिर्फ notice करना होता है. The main thing is, हम जिस चीज को notice करना चाहते हैं उसको notice नहीं करते हैं. We just let it pass by. And for all that, you can always connect to me. Yeah, I least expect one more promotion. I least expected और वो होता है. एंड अभी तो मैं भी एनएलपी और वो स्टडीज में हूँ, साइकोलॉजी स्टडीज में, तो मुझे भी समझता है अरे मैं पागल थी, आई वाज टेकिंग एवरीथिंग ऑन मी. तो वो सारी चीजें मेरी काफी सॉर्ट आउट हो गई. सो आई थिंक नाउ आई एम मोर क्लियर. देयर आर नो फेलियर्स इफ यू आर एन एनएलपी स्टूडेंट, देयर आर नो फेलियर्स, देयर आर ओनली फीडबैक्स. यस ऑलराइट. ये अभी हुआ, दैट्स अ रीसेंट अचीवमेंट. व्हाट अ ग्रेट स्टेटमेंट यू हैव मेड. Yeah. There is no failure. It is a feedback. It's just feedback. Because we think MLP. Like, oh, this has not happened, that's not happened. Nahin, it's just a feedback. Ye aisa hua, let me change it. Sabse badi baat hai, agar hum karenge hi nahin, toh hume pata kaise chalega ki karna chahiye tha ki nahi karna chahiye tha. People are afraid of even the feedbacks. Matlab, arre kisi ne kyun bol diya? This is offensive way mein lete hai. There are many, many people who are potential winners rather than natural real potential winners. अगर मैंने कर लिया होता तो ये हो जाता, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. Finding the reasons outside them, whereas it's within you. लेकिन what is this? कभी नौमन तेल होता है ना कभी राधा नाच. It's all. Jayanti, what is this NLP? It's neuro linguistic programming. वो आपके ब्रेन को ऐसे कर देता ना कि आपको बाकी सब कुछ ऐसे लगता है. आपके थॉट प्रोसेसेस पे आप किसी चीज को किस नजरिए से देखते हो, ये हम वन टू वन में भी बात कर सकते हैं. आई थिंक उनका सेशन अभी है तो विल डेफिनेटली कनेक्ट मिश्रा जी. सो एनएलपी इज अ वेरी डिफरेंट प्रोग्राम. इट एक्चुअली मोल्ड्स योर होल थॉट पैटर्न बिकॉज इन एनएलपी दिस इज व्हाट इज बेसिकली यू नो दे हेल्प, इट हेल्प्स यू टू come out of many situations like fear. Fear, तो आप ऐसे निकाल सकते हो एनर्जी से.
I am also an NLP master practitioner. Wow. Oh, great. Oh, great. I have done 104 modalities, and my 105th modality abhi aayegi. I've got certificates for 87 modalities. Baki certificate diya nahi. श्री विद्या जी नहीं, वो अंग्रेज थे। श्री विद्या जी आप किस कुएं का पानी पीते हो? एक्चुअली हम जो ये बात वहां से शुरू होती है, हम अकेले में बात करेंगे। आई एम एक्चुअली दिव्य शक्ति करने के बाद मैंने काफी मोडालिटीज की, बिकॉज मेरा एक ऐसा एक पहले से ही जुनून रहा है कि वॉट एवर आई डू I want to do it up to the T. मुझे उसमें सब कुछ समझना है. Like I was into film industry, I was into advertising, I was into creating films and all that, making ad films. So वहाँ भी मैंने हर चीज समझ के then I have worked and then I shifted into spirituality. तो मुझे ऐसा था कि मैं अगर ऐसा कुछ करती हूँ तो I need to know what I'm doing and why I'm doing. Yeah. So I have learned more than 104 modalities of healing. I am a numerologist, I am a claircognizant, I am an occult expert and a lot of things. Main bahut hu and basically I am a Capricorn. So main to banta hai yaar. Bakri hu na. That's a sense of pride you should have. And I mean like every time, you know, when I used to understand something, lekin maine bahut sari meri khud ki like my... I teach wealth, I teach relationship and my signature programs are Wealth Abundance Vortex. 10th tomorrow, my Candle Magic is starting tomorrow. Candle Magic Workshop where you can create and manifest things that you desire. Candle Magic Workshop is a 7-day online workshop. That is also my signature workshop. I have like 3. People have 1 signature workshop. Mere paas wo bhi 3 hai. कौन बोला भाई दीपांकर जी सीरियसली थिंकिंग लाइक दिस क्या हुआ सत्या जी की बोलची हमें किछु बुझबे ना श्री विद्या जी मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना सब कुछ 9:30 बजे उठने की मुझे मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो तो मैं डायलॉग मार दूं मैं दिल में आती हूँ समझ में नहीं क्या बात है आपको तो मैं समझना नहीं चाहता मैं तो सिर्फ आपकी बातें समझना चाह रहा हूँ कि मैंने आके जस्टिफाई किया 9:30 से 10:30 या नहीं मैं तो ये देख रहा हूँ बड़ी फ्रैंकली एंड अतुल जी नोज आई एम अ स्ट्रेट शूटर तो मतलब अभी मुझे रोना चाहिए या हंसना चाहिए अब ये सिंपली कॉम्प्लिकेटेड बात है अब आप समझो तो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा मैं तो समझ रहा हूँ ना बताऊंगा फीडबैक दूंगा Haan, because there are no failures, only feedbacks. And feedbacks is okay. Secondly, when somebody criticizes you, do not take it to your heart. Take it to your mind and change it from here. Yahan se badalta nahi hai. Badalta yahan se hai. Yahan se sirf mehsoos hota hai. Because we have 2 brains and we always work. When we have to work from here, we work from here. And when we have to work from here, we work from here. Hum hamesha mismatch karte hain. और वो भी हमें पता चलता है कब यहाँ से करना है और कब यहाँ से करना है अब अतुल जी मुझे बड़े सीरियसली देख रहे हैं कि ये क्यों पका रही है इसमें क्या मैं पकाती भी अच्छा हूँ अतुल जी आई वॉज ऑल्सो वर्किंग फॉर ताज एयर कैटरर्स वंस अपॉन अ टाइम फॉर फ्यू मंथ्स सो आई हैव एन एक्सपीरियंस कुकिंग ठीक है सो एनीबॉडी एल्स वॉन्ट्स टू शेयर Or should I give you a super beautiful, wonderful remedy? Paise ki remedy chahiye ki relationship ki chahiye? Aapke upar. I think Mithilesh ji wanted to say something. Mithilesh ji, bolo na. I think he wanted to say something. So, लगभग 23-24 साल पहले जब पढ़ाई कर रहे थे, अचानक अच्छी पढ़ाई के बाद सारा कुछ खराब होने लगा. जो आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आया भयंकर डिप्रेशन ऐसी लाइफ आ गई कि लगा कि सब कुछ खत्म ही हो जाना चाहिए और एक्सट्रीम जीरो माइनस जिसको कह सकते हैं तो अचानक ही जैसे श्रीपद जी ने कहा एक लड़का मेरे साथ रहता था हम दोनों एक पार्क में बैठे और कहां से पता नहीं क्यों सब कुछ होने के बाद उसने एक शब्द बोला कि मिथिलेश मैंने तुम्हारे जैसा आदमी देखा नहीं है मतलब मेरी जिंदगी में तुम सबसे बेस्ट हो क्यों बोला आई डोंट नो कैसे बोला कोई रीजन नहीं था
और एक शब्द ने पूरी दुनिया चेंज कर दी, उसके बाद से आज हो गया 24-25 साल तक, वो वाली बात की डाउन सोचना भी है नहीं हुआ दोबारा, और उस समय एक्सट्रीम था। तो मुझे लगता है जो अभी आप बोल रहे हैं ना सारे गाना सोलमेट, मुझे लगता है कि यही है, चाहे वो एक मिनट की चीज हो या दो मिनट की चीज हो, उसने पूरी जिंदगी बदल दी। और मैं 20-22 साल हो गया। Awesome. और यू नो दैट टेक्स यू इन अ इन अ इन अ डायरेक्शन, फिर उसके बाद ना यू टर्न नहीं होता, उसके बाद आपको आगे ही चलना होता। So anybody else wants to say something about a soul connect or a soulmate? किसी की आवाज तो आ रही है, कोई कहना चाहता है? हाँ जी, yeah, this is Vipul here. I would like to say something. Hi. Please say something. Yeah. A few years back, when I was in IT, I'm still in IT, I was supposed to take certain calls in terms of whether I should move, take certain decisions, yes or no. And from suddenly some person in the life came, and the person has changed my entire way of thinking, and the entire course of action towards my life approach has changed. Now it is almost 10 years. Like the entire scenario has changed. As you have rightly said, the person may be soulmate or maybe a soul group, or I don't know what how it can be categorized or put up in that reference. Now that person is, as of now, she is no more. But at that point of time, whether it is something like this, I am not knowing the swimming and I want to do a swimming. And since I don't know swimming, I will not jump into the pool. That was the scenario, whether I should take that leap of trust and faith and jump into that water and then see what kind of miracles as well as the diversifying situations are going to come up. So at that point of time, if anybody wants to evaluate whether that person is a soulmate or maybe whatever categorizing we are going to put up, that person is by default there. Whether it is a financial, emotional support, because there are a lot of failures. In last 10 years, I will tell you, only last 2 years, I'm seeing the success. 8 years, non-stop failure, non-stop. And it was like, I was at here and then I was at minus, maybe minus to certain extent. Now, why I'm picking up this point is because that person was constantly was there as a friend, as a guide, or you can say the shoulder which you a person needs may not be necessary. He or she might be going to give any input or anything, but that it is there. It's something like your mother. When you go to home during the day ends, you don't have to think whether your mother has created. Cut. Edit one food. Second. Yeah. Hold on, Vipul. Yeah. कोई भी रिश्तों को नाम मत दो, ये सोल कनेक्ट के रिश्तों को डोंट गिव अ नेम, लेट दैट एक्सपीरियंस बी दैट एक्सपीरियंस, करेक्ट? आई एम सेइंग हाउ कॉन्फिडेंट यू आर व्हेन यू आर व्हेन यू गो होम, व्हेन यू आर स्टेइंग विद योर फैमिली, यू हैव एन इमोशनल सिक्योरिटी, इट्स एन इमोशनल, यू हैव एन इमोशनल सिक्योरिटी दैट फूड विल बी देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, योर मदर और योर फ्रेंड और दे आर गोइंग टू नॉट गोइंग टू से दैट साउंड्स गुड, अमेजिंग, सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से टू ऑल दिस पीपल दैट दिस इज अ बैरोमीटर और यू कैन से अ यार्डस्टिक टू मेजर वेदर दैट पर्सन इज सोलमेट और नॉट, दैट यू नो इन बैक ऑफ योर माइंड ये मेरा बैंक बैलेंस उतना तो है मिनिमम, चाहे कितना भी चेक बाउंस है, बट दैट इज अ बैंक बैलेंस ऑफ इमोशंस और रिलेशन और व्हाट नॉट, परफेक्ट, या जस्ट सेड इट, मोस्टली आवर सोलमेट्स और सोल कनेक्ट are a combination of emotional security. Yes. Also, they are your, you know, financial, aise nahi bol sakte, financial security nahi hai. But yes, you know that they will not let you, they will not let you down. That's what I said. Right? It's like so your you mother have, in example. You know, and most of the time, your soulmate or your soul connect is also your spiritual security. Aapko kahin ulta sidha jaane nahi denge. So that's how, and you are somebody's soul connect, and somebody is your soul connect. It's vice versa as well. Yes, it's also that way. ऐसा भी हो सकता है कि you one to many and many, you know, many to one भी होता है. Atul ji, have I answered your question? One to many, many to one. All right. It's like energy. ये दीपंकर भाई की डिप 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 बहुत तकलीफ दे रही है, मैंने अभी बीवी को बताया चाय बनाओ जल्दी,
नहीं ठीक है, हाँ वो किसी को मतलब जैसे टीवी में कोई एड देख के वो खाने का मन करता है, वैसे वैसे भी वो अच्छे खासे मॉडल भी लग रहे हैं और लोकेशन भी बहुत अच्छा है। ये दीपंकर भाई का डिप 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 सोल कनेक्ट हो गया, एंड इट्स जस्ट लुकिंग वेरी प्रीटी यू नो, लाइक एक तो कुछ तो भी उनके टी शर्ट पे लिखा भी है नेवर बी डिफीटेड एंड देयर इज विद अ टी कप, सो लेट्स गेट अ टी स्पॉन्सर आल्सो। ये कौन ताजा चाय है? लिप्टन ताजा। दिस इज दिस ब्रांड। Okay, this is this brand. All those guys who are looking at this brand, please do sponsor us so that, you know, next Sizzling Sunday we can have sponsors. And this is the QR code for it in case if you guys want it. Oh God, this is full-on advertising. Full-on advertising. It's too good. Let me tell you, this is not a tea. This is a beautiful sachet of turmeric. Awesome. Oh, wow. Awesome. Wow. Yeah, awesome. And this is dipped in the milk because that's a photo nikal ke personal pe bhej do yaar, really bahut zaruri hai kyunki main bhi haldi leta hu, hum yahi sachet lenge, koi jhanjhat nahi. And just for everybody here, this is one of the connect that I got, I don't know soul or what, but this was a connect, and these guys manufacture this in India. This has no market in India, but this is less than available overseas because this is such on a high demand, turmeric. जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगा हमको दे देना, क्योंकि अच्छी चीजें तो बेचनी चाहिए ना, लेकिन इसका फोटो चाहिए दीपांकर जी। बिल्कुल देंगे सर, ठीक है। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से समथिंग? देखो कैसे सोल कनेक्ट हो जाता है, ये पराशर है ना, सब सब गुरुओं का गुरु है। चाय से okay. कर रही थी आपने, हल्दी से करवा दिया। ये देखो देखो श्री विद्या जी, व्यास को दुनिया का गुरु माना जाता है और व्यास का बाप होता है पराशर। ठीक है ओके, ये मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया, लेकिन फिर भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। मैं बता देता हूँ, जितने व्यक्ति हैं, पहले हमारे माइथोलॉजी में गुरु सिस्टम होता था, हमारे पुराने लोग जो हैं सब लोग गुरु आश्रम में जाते थे और उसी गुरुकुल में पढ़ते थे। तो जो लोग जिस गुरु के आश्रम में गए पढ़ने के लिए, वो उनका आप कहिए कि वो उसी से कनेक्टेड हो जाते थे और उसी से उनका परिचय होता है। जैसे मैं भारद्वाज हूँ, तो मतलब हमारे गोत्र, मेरा गोत्र जो है वो भारद्वाज होने का मतलब है कि हमारे कोई पूर्वज बहुत पूर्व में वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए होंगे और उन्हीं के हम लोग डिसेंडेंट्स हैं। और आप जो हैं पराशर जी, वो ये तो यहीं से गोत्र आता है, हर कम्युनिटी में होता है, लेकिन वो अपने गोत्र को पूछा जाता है, तो गोत्र में जितने भी होंगे वो सब भाई बहन होते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, हमारा गुरु भाई। Sizzling Sunday is not only about Shri, it's about everyone out here. अब ठीक है? Yes, thank you. So Sizzling Sunday में अगर आप आने वाले हो, तो आप अपने लिए आ रहे हो, आप मेरे लिए नहीं आ रहे हो। So if you think that you want that little shift and that little sizzle in your life, please join us on Sunday on Sizzling Sundays. Anand Kumar ji फिर से आते जाते रहते, guest appearance है। All right, so do you want a remedy, a tip, or what do you want? पैसे की टिप चाहिए कि रिलेशनशिप? पैसे की ही बात कीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा। मेरे को आप पैसे से ही कनेक्ट करते हैं। श्री, but every time you give tips on money, I would request for relationship. Yeah, yeah, I second that. ठीक है, वोट कर लेते हैं। पहले एक बात बताइए, what chances नहीं है? दोनों चाहिए तो प्लीज ज्वाइन माय वर्कशॉप्स, वेल्थ अबंडेंस वॉर्टेक्स, रिलेशनशिप अबंडेंस वॉर्टेक्स, कैंडल मैजिक एंड लॉट ऑफ स्टफ, एंड यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन 7039011755। और ये वालों के लिए छोटी सी डिस्काउंट तो दे ही दूंगी। पीछे से कौन बड़बड़ा रहा है? मैं बोल रहा हूँ, मुझे मौका नहीं मिल रहा बोलने का। वो कौन बोल रहे हैं? आप अपना नाम बताएं। हाँ जी, आहूजा जी बताएं। I mean some people अभी अतुल जी बोलेंगे। हाँ,
Now we are at 10:30. So are you all okay if we can, you know, extend this for about 10 more minutes? I will take 2 seconds, 5 seconds. Yes, for sure. I want to understand, some people said there is a soulmate, some people found their, so to say, soulmate. Or what about the people who have not found? Are they not there? Marne se pehle zarur milega. Sir, wo 100%. Jiye Sahuja ji, ek MTNL ki line hai, aap Qatar mein hai. Achha. Dubai mein hai na ye to. Nahi, Qatar matlab queue, Hindi bol rahe hain, madam. Achha. So the point I'm trying to make is there some, what is the right word? I will tell you how. आपको मैं बताती हूँ कि क्या symptoms होते हैं. Let's talk about one second. Let me complete my question. My next part of the question was, the soulmate is always, so to say, in a positive sense, or there are always negative things also? Because आपको लगता है soulmate is always positive. A soul connect or a soul partner can be negative or positive. Please get this very clear. A soulmate is a soulmate. A soul partner, a soul connect, जो negative, जो आप बोलते हैं ना, जो कभी-कभी ऐसे लोग, हमने इसके बारे में discuss किया, you can go back to the channel and watch us. Like we are also on YouTube. So, and you can also see our live again. So, आप समझ जाएंगे कि हम किस बारे में बात करें. So, what happens, जब death का कोई, आप तभी, शायद बहुत लोग तब realize कर लेते हैं. If you have gone through a lot of churning, आपने काफी चीजें, you know, mostly people who can sit quietly for about, say, at least 5 minutes without getting distracted can get to know that, yes, ye mera koi soul connect hai. But if your mind is too much of wandering, like if you're, you know, if the mind, like monkey mind hai, to phir aapko thoda pehchanne mein time lagega, lekin aapko realize zarur hoga, you will know that you can actually identify that, haan, ye kahin na kahin, ये मेरे लाइफ में इतना इम्पैक्ट किया है एंड दिस पर्सन हैज सम सोल कनेक्ट विद यू बिकॉज देयर इज नथिंग नो एक्सीडेंट्स इट्स ऑल डेस्टाइंड आई मीन आपका ब्लूप्रिंट है. प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्लूप्रिंट जो है ना, हम रास्ते में छोड़ आते हैं. लाइक वी डोंट हैव अ ब्लूप्रिंट, सो हमको नहीं पता GPRS कहाँ है. सो इनर GPRS जब एक्टिवेट हो जाता है ना, तो सब मिल जाता है, फिर डॉट 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 कनेक्ट हो जाता है और वो पूरा जिग्सो पजल परफेक्ट बैठ जाता है. वो सारे नॉनसेंसिकल थॉट्स जो थे ना, वो सब गायब हो जाते हैं. इट हैपेंस, ट्रस्ट मी, लिख के ले लो, टेक इट फ्रॉम मी, इट हैपेंस. तो पैसे की टिप नहीं चाहिए. आपने वोटिंग, वन डे आई वांट द रिलेशनशिप, आपने वोटिंग तो की नहीं, और यू बी काइंड एनफ टू गिव अस बोथ. नहीं, वोटिंग तो की नहीं, किसी को पैसा, किसी को रिलेशनशिप, किसी को दोनों. नहीं, दोनों नहीं, आपको एक ही चूज करना है. बिटवीन बी एंड डी देयर इज सी, बिटवीन बर्थ एंड डेथ देयर इज चॉइस, सो चूज वन. मनी मनी, पैसा पैसा पैसा, दो पैसा. यू हैव टुडे यू आर स्पोकन अबाउट सोलमेट, सो देन इट हैज टू बी, इट कैन बी मनी, रिलेशनशिप. But money also can be a connector. Money will bring relationships. Money is a mind source, not a heart source. Money is related to mind, not related to heart. Money. So Srividya, let's do one thing. Please give a tip for making the best relationship with money. How's that? Don't you have a two-in-one kind of a thing? You can pick up any ritual or remedy from my site. Bahut sari remedies maine di hain. Why don't you log on to my website and pick up one from there? give okay. two in one chahiye. Aap dekho, ye duvidha hai aapki, aapko ek chunna hoga. aisa nahi, aaj ek chuno. Are main thodna bhagwan hu, lekin bhagwan se kam bhi nahi hu, lekin aaj mere paas, aaj maine aapko choice diya, aap choose karo. Chalo, are agla aapko aur tips chahiye na, agle hafte phir aana. itni baar sabne money bol diya, fir bhi aap bol rahe hain choose karo. Dipankar, meri chalti hai, isliye abhi wo ruki hui hai. I'm in for relation. You're in for relation. अच्छा, okay. समझ। चलो रिलेशन बता दो फिर, आरती जी बात ऊपर रखते हैं, आरती जी की। अरे यहाँ रिलेशन की कोई कमी नहीं है भैया, पैसों की कमी है। अरे सर अब क्या करें, 9:30 बजे आ जाए। जिसको पैसे का टिप चाहिए, वो अगले हफ्ते आज ही के समय, आज ही के दिन
types. आ जाएं 9:30 on Sizzling Sundays with none other than Shri. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. Thanking you, yours faithfully. Yours faithfully. Or yours sincerely. Sincerely. Sincerely तो हम अगले हफ्ते बोलेंगे जब पैसे की टिप मिलेगी. ठीक है. तो अभी रिलेशनशिप तो कर लेते हैं. ठीक है चलो आज मैं दानवीर करण बनती हूँ. ठीक है. We'll give you both the tips and both the tips are correlated. So go ahead and do it. So for all the votes, लेकिन आरती is a beautiful soul और जयंती का कुछ एक soul connect है. So let's do a relationship tip. Can you all see this paper? It's an organic paper. Get an organic paper. और या तो फिर आप वो ब्राउन पेपर ले सकते हो जिसमें सामान वामान देता है पंसारी टाइप. तो गेट अ पेपर इसके अभी रिलेशनशिप ठीक करनी है थोड़ी बहुत. ऐसा नहीं बोलूंगी कि कल उठ के वो आपको यू नो जुमा चुमा टाइप्स करने लगेगा. ऐसा कुछ नहीं होगा. बट रिलेशनशिप्स विल बी बेटर देन व्हाट इट वाज बिफोर. ठीक है. पेपर ऑलराइट. You can create either a, if it's a love relationship, create a heart. If it's a normal relationship, create a circle. इस circle के अंदर आपको आपका और वो person का नाम लिखना है. Clearly लिखना है. And you have to mention 3 times thank you below this. ठीक है. Circle बना लिया. 3 times thank you लिख लिया. And while you fold the paper, fold it towards you and say create harmony with ease. Create harmony with ease. 3 times fold करना है. एंड आपको ये एक शुगर जार के अंदर रख देना है. कीप इट इनसाइड अ शुगर जार. ठीक है. राधे श्याम जी आप फिर से सुन लीजिए. हे कागज गाइस कैसा. इफ यू वांट अ लव रिलेशनशिप टू बी मोर बेटर क्रिएट अ हार्ट. क्रिएट योर राइट योर नेम एंड द पर्सन्स नेम. आपका नाम ऊपर नहीं होगा. आपका नाम नीचे होगा. ऑलराइट. यू आर द रिसीवर. द पर्सन्स नेम ऑन टॉप एंड योर नेम डाउन. एंड देन यू विल write thank you twice. Okay. And then you will fold this paper towards you 3 times and you will put it in a sugar jar. All right. This is for relationship. And now for all those who want money, this is your money. Take the highest denomination possible. Highest denomination possible. Today is not about business. Take the highest denomination possible. Okay. Now, roll this note. You have to roll this note like this. Okay? And you have to put this inside the sugar jar. Next 7 days, trust me, your relationship with money is going to be fantastic. Fantastic. Super. But if you want something more and you want to know why you're having blockage, aayega zarur paisa. Tikega ke nahi pata. Uske liye aapko mujhse baat karni. That note stays in the sugar jar? Note stays in the sugar jar. Not forever, for 7 days. And then after 7 days, put another note. All right? And we spend this note. Yes, this note then goes. It becomes your magic. It becomes your sweetener note. Okay? It becomes a sweetener note. And it goes and brings in more people who will give you money with dil se. People will start connecting to you. Trust me, in these 7 days, if you're going to do this, you will see a marvelous change. And I want feedbacks. I want comments. Please give me comments. We need I have to spend that note. Next week, you can spend it. After 7 days, you can spend that. देखिए पैसे की बात आई तो मैं वापस अपना चेहरा दिखा रहा हूँ. पैसे की पहले ही रिलेशन का बोला तो मैंने हटा लिया क्योंकि अपना चेहरा क्या. रिलेशन तो जो है बहुत बढ़िया है और सब कुछ बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक चल रहा है. अगर रिलेशनशिप सारे बढ़िया हैं तो पैसे में इशू आ ही नहीं सकती है. रविंद्र जी लिख के ले लो टेक इट फ्रॉम मी. कहीं ना कहीं खुद से कोई प्रॉब्लम हो सकती है. खुद से कहीं रिलेशनशिप में इशू हो सकता है. मनी एंड रिलेशनशिप आर कोरिलेटेड. वो दोनों अलग हो ही नहीं सकते हैं. वो एक डिस्कनेक्ट है. एक सिक्के का 2 पहलू है. आप मुझे मेरी अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए. ठीक है. सी द गुड इन मी नॉट द बैड इन मी. अच्छा आपने जो सर्कल या हार्ट बताया उसमें कितने नाम लिखने हैं अपने साथ. एक ही लिखना श्रीपाद जी. एक ही. गाइस टू मच.
थोक में लेके बैठे हैं आप पेपर एक नाम कैसे चलेगा एक ही जेल पूरा एड्रेस डायरी नहीं डाला है पूरा एड्रेस भी नहीं डाला है श्रीपद जी वो जितने बंदे बस के बाहर लटक रहे थे सबका नाम लिखना है पूछ पूछ के सबको पूछ पूछ में आपका नाम बताइए एक पेपर एक नाम दिल मांगे मोर आई थिंक श्रीपद श्रीपद जी बिलीव इन पॉलीगैमी अब मुझे चीनी के जार की अच्छा, बारे में अच्छा मैम चीनी के जार के बारे में मेरे प्रश्न है कि चीनी का जार में तो लगातार कंज्यूम होता रहता है जो जार है तो इसका क्या अलग जार बनाएंगे चीनी भरेंगे ना आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझे श्रीपाद जी जितनी आप चीनी यूज करेंगे और जो चीनी नहीं यूज करते हैं जो शुगर फ्री वगैरह यूज करते हैं वो भी एक शुगर जार में डाल सकते हैं देयर इज नो नथिंग अबाउट इट वो जो जार है वो तो लोग घर में परमानेंटली यूज करते रहते हैं लगातार उसमें से तो आप अलग जार यूज करिए ठीक है ना एक जार और ले लो मालिक एक जार और ले लो पैसे एक जार और ले लो पैसे की बात है चलो पैसे के लिए कुछ भी करेगा अरे कुछ भी करेगा अच्छा लेकिन जैसे इंद्र जी ने मुझे फीडबैक दिया सर जार की एजेंसी तो नहीं ली ना भाई साहब अभी नहीं ली लेकिन काम, मेरा काम लॉजिस्टिक्स का मैं एक एक जार सबके घर भिजवा देता हूँ चीनी डाल चीनी डाल के पंकज जी आप मेरे बहुत काम आने वाले हो लॉजिस्टिक्स में एट योर सर्विस मैडम यहाँ जितने हैं सब एक दूसरे के काम ही आने वाले हैं इसीलिए यहाँ हैं बस यही है कि पता नहीं चल रहा है इसके ऊपर में भी एक पर यार कोई दो थैंक यू तो बनता है मैंने दोनों दे दिए इतनी अच्छी हूँ मैं आई एम सो गुड ओह माय गॉड आई एम सो वेरी 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 ऑलरेडी डाल दिया है चैट बॉक्स में ऑलरेडी थैंक कर दिया है आपका थैंक्स तो बनता ही बनता है बिल्कुल बिल्कुल थैंक्स दो टिप दिया एक ही देने की बात हुई थी We are so grateful to you. Thank you, Shrivi. ठीक है, अतुल जी, if anybody wants to join the candle magic workshop, I can share the details also. Please share the details on the group, and I think that should be good. Yeah, candle magic workshop is starting from tomorrow. It's a 7-day marvelous workshop, and as I have a habit of giving more, 1-day bonus we have. Candle magic is amazing. It's all about transformation. Madam, so it's not an expensive affair. Candle magic से याद आया, there is a one of our clients who is looking for candles for export from India to Europe. Definitely, I make specific energized candles. You can connect the person to me. No, person is me only. I have to send it. Okay. Yeah. But so, I make special specific candles. No problem. We will talk. मले डब्बा भरून साखर पाहिजे. लोग एक्शन में आ गए यहाँ पर और मला 2000 रुपए से नोट बन पाइजे जिनको भी ये 500 का लिया ना वो 500 का लिया ना अच्छा there is a disclaimer अभी मैं आपको एक छोटा सा हाँ एक disclaimer वो पीछे भाभी चीनी खा रही है उसने दूसरा डबा स्वतंत्र डबा जिसने इसको पेट से किया ना वो हद से ज्यादा पाएगा जिसने इसको मजाक में किया उसको कुछ नहीं मिलेगा चाउ सिमरनो जी लो अपनी जिंदगी मैं तो टेस्ट कर चुका हूँ तो मैं क्यों मजाक करूंगा मुझे तो वो टेस्टेड है कुछ लेकिन उसको बढ़ाना है तो हमें तो करना ही पड़ेगा बढ़ाना है तो आपको पूरा कंसल्टेशन देना पड़ेगा ना ये तो टिप है टिप का मतलब टिप होता है अपना अपना आपको पूरा आइसबर्ग चाहिए तो आपको यही तो प्रॉब्लम है आप जितना देंगे उतना ही तो पाएंगे नहीं नहीं इतना ही संतोषी ब्राह्मण है ब्राह्मण संतोषी होता है जितना मिलता है उतना ही संतोष में जिए जिसको ज्यादा चाहिए टॉक टू मी ओके श्री और संतोष दो अलग अलग घर में रहते हैं हाँ जी बिल्कुल ओके चलो लेट्स वाइंड अप हाँ जी वाइंड अप करें थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू एवरीवन थैंक यू श्री थैंक यू ऑल राइट सी यू बाय Bye. Thank you, everyone, for such a wonderful morning.
थैंक यू जी फ्रीक्वेंटली थैंक यू थैंक यू नमस्ते फ्रॉम ढाका तपन कुमार नाथ यू डिडंट नोटिस या अतुल जी थैंक यू आई वाज अदर वेरी इंटरेस्टिंग आई लाइक इट आई विल नॉट मिस इट अतुल जी श्योर नेक्स्ट टाइम यू इनवाइट मी एब्सोल्युटली टुडे आफ्टरनून एनी प्रोग्राम टुडे आफ्टरनून नो सो आफ्टरनून ओनली ऑन वीकडेज तो मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे मॉर्निंग 9:30 इंडिया टाइम 10 o'clock ढाका टाइम So nice of you. Send me the invitation. All right. I'll be with you. Done. Thank you. Thank you very much. Okay. Bye.